रोहित भाई और राहुल सर ने मेरा पूरा समर्थन किया। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई और एक बार फिर एक ही कदम रखने का उनका मूल मंत्र है। रोहित शर्मा सबसे छोटे प्रारूप के लिए भारतीय टीम के कप्तान हैं और राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच बातचीत को लेकर वेंकटेश अय्यर ने प्रतिक्रिया दी है। बातचीत करते हुए अय्यर ने कहा है कि मेरे लिए यह यादगार सीरीज रही है। भारतीय जर्सी पहनने का सपना था जो पूरा हो गया। मेरी डेब्यू सीरीज में जीत और वह भी क्लीन स्वीप के रूप में आना मेरे लिए एक खास चीज है। मैं वास्तव में खुश हूँ। जीत के बाद ट्रॉफी के साथ जश्न के दौरान रोहित भाई ने मेरे हाथ में ट्रॉफी देते हुए कहा कि बढ़िया खेल दिखाया। जीत की ट्रॉफी हाथ में लेना मेरे लिए एक भावुक और गौरव का पल था। मुझे कप्तान रोहित भाई और कोच राहुल सर ने काफी समर्थन किया है। जब मेरे कप्तान रोहित भाई ने मुझे यह ट्रॉफी दी तो यह एक खास पल था। उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसे जारी रखना। अय्यर ने यह भी कहा है कि रोहित भाई और राहुल सर ड्रेसिंग का माहौल आरामदायक रखते हैं और बातचीत की एकदम स्पष्ट रखते हैं। राहुल सर ने मुझे एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी दी है, उन्हें मेरी क्षमता पर भरोसा है। मेरा अगला लक्ष्य विजय हजारे ट्रॉफी है। मैं एक बार में एक ही कदम बढ़ाना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि केकेआर के लिए आईपीएल में बतौर ओपनर खेलते हुए वेंकटेश अय्यर ने धाकड़ खेल का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें निचले क्रम में खेलने के लिए कहा गया है और इसमें वह सफल भी रहे हैं। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।